आओ आओ बाबा। बैठो। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा इजी हो जाऊं। पता नहीं क्यों मुझे इस बात का यकीन है कि आज रात मुझे इसी कमरे में गुजारनी पड़ेगी। लो ग्रीन टी पियो। मैं सिर्फ दूध वाली चाय पीती हूँ। ये परहेजगारी की जिंदगी मुझे पसंद है। लेकिन बड़ों की ख्वाहिश का एहतराम करना भी मेरी आदत में शामिल है। अब आपने इतने प्यार से ऑफर किया और कप में भी डाल के दे दिए, इसलिए अपनी चॉइस को भूलकर आपकी ख्वाहिश का एहतराम तो करना पड़ेगा। यकीनन आपने चीनी नहीं डाली होगी। क्योंकि इस उम्र में चीनी से बहुत ज्यादा परहेज किया जाता है फिटनेस के लिए। Young girls like pink. Youngsters' choice. Colors काफी funky हैं, बिल्कुल young लड़कियों वाले। आप शायद मुझे अपने असूलों के बारे में बताने वाले। अगर तो असूलों की लिस्ट लंबी है फिर तो कल पर डाल देते हैं, और अगर शॉर्टकट है तो सास की तरफ से पहली रात की लोरी समझ के सुन लेती। लड़की तुम यहां बेड पर नहीं बल्कि वहां कालीन पर सोओगी, ताकि तुम्हारे और हमारे मकाम में जो फर्क है वो हमेशा कायम रहे। फर्क मकाम का नहीं है, उम्र का। क्योंकि आप भी इस घर में बहू बनकर आई थी और मैं। इसलिए फर्क सिर्फ उम्र का, ओनली एज डिफरेंस। तुमने अब तक ये नहीं पूछा कि हमने तुम्हें यहां क्यों बुलाया। थोड़ी देर पहले बात की थी मैंने, आप बताने के लिए सोच रही थी और मैं ना पूछने के लिए अपनी सोच को रोक रही थी। वैसे ये वक्त सुनने सुनाने का नहीं, सोने का। बिल्किस, शुक्र है आपको मेरा नाम तो याद आया। वैसे आपने जब मुझे लड़की कहकर बुलाया था तो मुझे अच्छा नहीं लगा। बहुत बातें करती हो तुम, एक एक नुक्ते को लफ्ज बनाकर उछालती हो अपनी जुबान पर, मगर ये याद रखना हमारा नाम मुख्तार बेगम है और हम रिश्ते में तुम्हारी सास ही नहीं तुम्हारी खाला भी लगती है। मुझे सिर्फ इतना बता दें आप कि मैंने इस घर में आपको खाला समझ के रहना है या सास। इस घर में तुम बहू बनकर रहोगी, वो बहू जो सिर्फ सास का हुक्म मानती है, सिर्फ सास का। लेकिन मैंने तो ये सुना है कि बीवी को सिर्फ शौहर का हुक्म मानना चाहिए। हाँ, उसकी माँ का अदब भी करना चाहिए अगर उसके लहजे में शफकत हो तो। अगर आप कहें तो मैं आपके पांव दबा दूं? नहीं। तो फिर मैं सो जाऊं अगर आपकी इजाजत हो तो। सो जाओ। दरवाजा खुला है, यकीनन आपको बंद करके सोने की आदत होगी।
जब नींद आने लगे तो दरवाजा बंद कर लिया।